सत श्री अकाल जी। जस पंजाबी दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते तुहाडा स्वागत है। मैं हां मनिंदर कौर। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वल्लों मोदी सरकार दे तीजे कार्यकाल दा पहला केंद्रीय बजट पेश कीता गया, जिस तो हर वर्ग नाखुश विखाई दिता है। उधर पंजाब महिला कमीशन दी चेयरपर्सन राज लाली गिल ने कहा है कि बजट दे विच महिलावां दे लई कुछ भी नहीं है, ते जो वादे किए गए ने ओह वी सिर्फ दिखावे दे लई ने। इन्हां दे लागू होण तक दूजा बजट आ जाएगा कि शायद हुन कोई ना कोई जड़ी है सानू एम्पावरमेंट विमन नू मिलेगी, लेकिन गल ओही दी ओही रहेगी जड़ी पहला कैरेट्स दिखांदे रहे ने। हुन उन्होंने एक नवी चीज़ शुरू की थी कि असी जड़ा ये बजट हैगा यह जेंडर बायस्ड बजट है, असी विमन नू एम्पावर करांगे इहदे अंदर। लेकिन एम्पावर दे अंदर कुछ सानू नज़र ते कुछ भी नहीं आया। यस, डेफिनेटली उन्होंने जड़ा बजट हैगा पहले पिछले तो ज़्यादा उहदा प्राइस जड़ी उहदी जड़ी अमाउंट है वह जरूर वधा दित्ती गई है, लेकिन उसका फायदा किसनों की हुआ? लेडी जड़िया लेडीज के लिए इन्होंने कहा कि असी वर्किंग विमन के लिए हॉस्टल करांगे, स्कूल के बच्चों लिए करांगे। ये जड़िया चीज़ा ने ये इंप्लीमेंटेशन कहनिया बहुत चंगिया लगदिया ने, पर जो इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है वो जी इंप्लीमेंटेशन है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। कितने बनाएंगे वर्किंग हॉस्टल्स, किन्ने विमन के लिए बनाएंगे, ये सारी जी टाइम लगता हर चीज़ में। बिल्डिंग एक दिन च नहीं खड़ी हो जाती, जिन्ना चिर हूँ तुम अब जो भी डिक्लेयर किया इनू जब तक इंप्लीमेंट करोगे तद तक दूजे बजट का टाइम आ जाना, तो इस कैरट की कैरट रह जाती है। एंड जी विमन का क्या कि असी इन्हों समॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए या जी अपना एंटरप्राइज जी नवी विमन है अपना समॉल स्केल कोई बिजनेस शुरू करना चाहदियां ने, पर मैं कहनी हाँ कि हूँ तुम समॉल स्केल नवे तो शुरू कर रहे हो, जड़िया पुरानी विमन ऑलरेडी बिजनेस कर रही ने। स्पैशली नाओ डेज विमन आर इन डीलिंग इन प्रॉपर्टीज ऑलसो, तुम्हें की किया प्रॉपर्टी के अंदर इंडेक्सेशन कर दी वो अंदरों कह दिता कि असी 20% तो घटा के 12.5 कर दिता ये उत्ते। लेकिन हुंदा की है कि इंडेक्सेशन की चीज़ है? अज मैं 10 साल पहला एक फ्लैट खरीदया सीगा 50 लाख का, अज मैं 10 साल के बाद वेच रही हाँ 1.5 करोड़ का। लेकिन वो अंदर की हुंदा कि जिहड़ी प्रेजेंट वैल्यू है वो 13 लाख 1.3 की आ जाती है कि वो उत्ते टैक्स लगता। हूँ इन्होंने की किया नहीं, असी वो नहीं करना, असी करना है कि 1 करोड़ 50 लाख का पहला खरीदया 1.5 करोड़ का, हूँ जो वेचा तो प्रॉफिट 1 CR है, हूँ वह टोटल 1 CR के उत्ते लगाएंगे। यद मतलब तो यही हूँ कि तुम सज्जे हाथ पॉकेट पैसे पा दो, खब्बे हाथ चो कढ़ लो। एंड दैन यू नो विमन के लिए उन्होंने कहा कि जोड़ा असी निर्भया फंड जोड़ा आ कितने तक हले तक यूज होया, कितने कितने वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, देर इज़ नो टॉक अबाउट दैट। तो क्या मैम आप आने वाले समय में इस चीज़ के लिए मांग करेंगी, जैसे अभी आपने निर्भय का मुद्दा उठाया है, तो आपको लगता है कि आप इस चीज़ की आने वाले टाइम का विमेन कमीशन है स्टेट की, तो क्या आप इस चीज़ जी हाँ बिल्कुल ऐसा है कि लेट द बिल गेट पास्ड। राज्यसभा में डिस्कशन है, लोकसभा में डिस्कशन है, राज्यसभा में जाएगा फाइनली, इसका जो है ड्राफ्ट आने दीजिए, उसके बाद हम अपनी जो कंसर्न्स है वो जरूर उठाएंगे और गवर्नमेंट को जरूर बताएंगे। जहाँ तक वो कहते हैं कि हमने जो नौकरियाँ दी हैं 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने बोला कि हम दे रहे हैं एवरी ईयर, राइट, तो 10 साल से ये कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ जो नौकरियां जनरेट करके दे रहे हैं, तो 2 साल का मतलब क्या हुआ 20,000 हो गया। वो कहाँ है, किसको मिली? अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल द सेम, पीपल आर डाइंग एब्सोल्युटली, उनके पास इनकम नहीं आ रही है। अभी वो कह रहे हैं कि जो 20,000 जो है ये अभी 4 गुना और भी कर देंगे इसका, दीज आर, मुझे ये बताइए नौकरी का कहाँ पे जनरेट कैसे होती है? जॉब्स जनरेट होती है अगर आप इंडस्ट्री लगाते हो, इंडस्ट्री के बाद उसकी एम्प्लॉय जो इनकम होती है, रेवेन्यूज आते हैं, सब कुछ होता है। कहाँ है इंडस्ट्री लगी हुई, कौन सी इंडस्ट्री आई है अभी तक, और किस नौकरियों की बात कर रहे हैं कि हमने जो है इतनी पहले दे चुके हैं 2 करोड़ वगैरह, वो खुद मान रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हमसे ये नहीं हुआ तो अब ये नया वाला कैसे हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट पंजाब को क्या दिया है इन्होंने, सिर्फ 2 स्टेट को खुश किया है, तमिलनाडु एंड बिहार। ये जो बजट है ये पार्टी बचाओ बजट है, ना कि पूरे देश के लिए उनको राहत देने के लिए बजट है। पंजाब के अंदर MSP मांगते रहे, लीगैलिटी मांगते रहे हमारे किसान, कुछ नहीं हुआ इसके बारे। लेकिन हुन इस तो बाद जड़ी उन्होंने सबसिडीज मिलती सी 25,000 तो घटा के वो बहुत ज़्यादा घटा देती है, तो असी बजट केड़े बजट की गल कर रहे हैं असं। इस दे लई जो है पंजाब लई तां बिल्कुल ही कुछ नहीं है, ना कि उन्होंने 1.5 घंटे की स्पीच के अंदर पंजाब का एक जिक्र तक नहीं आया कितने। और यह जो बजट है मेरी तरफ तो जो मैं देखती इस बजट में, मेरे लिए तो यह बजट जो बिल्कुल निल है एब्सोल्युटली। लेकिन
ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਡਮ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯੂਥ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ। ਜੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਮ 10,000 ਔਰ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਓ, 3% ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਫੋਰ ਦਾ ਯੂਥ ਇਨ ਦੈਟ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਰਸ਼ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇ ਆਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਸਸ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 2-2 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20,000 ਕਰੋੜ ਜਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫੋਰਥ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਫਾਰਮਰਸ ਵਿਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ MSP ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮਰਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 16,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਆਰ ਦੀਸ ਚਾਰ ਥੰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਥੰਮ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਵੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟੇਕ ਆਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੀ ਬੀਂਗ ਅ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਮਨ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।